हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके बारे में, SPD। ये होता क्या है कि एक ये व्यक्तिमत्व का दोष है। ये व्यक्तिमत्व का दोष ये 11, 12 साल, 13 साल में दिखाई देता है उम्र के। और पेरेंट्स जो बच्चे के संपर्क में रोज है वो देख सकते हो कि ये बच्चे में ये कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, ये आगे जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है उसकी शुरुआत हो सकती है। गारंटी नहीं कि होंगी, और हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको ये व्यक्तिमत्व का प्रॉब्लम है, इनको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब इसमें होता क्या है? इसमें एक तो ये बच्चा या बड़ा व्यक्ति हो गया होगा तो वो व्यक्ति अलूफ, अकेला अकेला रहता है, लोगों में मिक्स होना पसंद नहीं करता। वो रहता होशियार मगर ज़्यादा काम आन पे लेंगा नहीं, बहुत बड़ा काम करेंगे नहीं। एक ऐसा पक्का साचे में जो काम बैठता है रोज का वो करेगा। वो जॉब या धंधा ऐसा करेगा कि जिसमें लोगों से उसका संपर्क नहीं आएगा। ऐसा जॉब, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं, उनको बहुत कम दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार जो है उनके साथ में ज़्यादा बातचीत नहीं, संबंध ज़्यादा नहीं रहता है। इनकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं ऐसे बहुत ज़्यादा हंस के बात करना या बहुत ज़्यादा खुल के रहना या बहुत ज़्यादा डाउन रहना, मतलब बहुत ही दुखी रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा दोनों साइड में ऊपर या नीचे रहेगा नहीं, ऐसा फ्लैट रहेगा, ना दुख है ना सुख है। इनको सेक्सुअल एक्टिविटी करने में कोई प्लेजर नहीं आता, मज़ा नहीं आती, या कोई भी काम करने में इनको ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आता। वो रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसा जी रहे हैं और अकेला 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 रहना पसंद करते हैं। कमरे में अकेले रहेंगे, जाएंगे तो जहाँ वहाँ अकेले जाएंगे, लोगों से बहुत कम बातचीत, और अपना काम भला और अपन भले। ये जरूरी इसलिए जानना कि इस तरह का व्यक्तिमत्व का दोष दिखाई देता है तो उसको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके माँ बाप को सतर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों में आगे स्किज़ोफ्रेनिया होने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो मन का कैंसर हम बोलते हैं, तो मन का कैंसर स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना ज़्यादा है ये लोगों में। तो इनको लोगों में मिलना, मतलब घुल मिल के देना, या बच्चों में उनको खेलने देना, बाहर लेके जाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर न डालते हुए उनके साथ में बातचीत करना, या कोई ग्रुप एक्टिविटी में उनको लेना, ऐसा यदि करते हैं तो वो जो अंदर घुसते हो अकेला अकेला सेक्लूडेड, वो रहेंगे नहीं, और आगे बहुत बड़ी बीमारी उनको होंगी नहीं। हमारा काम है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें ये यदि वीडियो आप लोगों तक तो पहुंचाते हो, लोगों को बताते हो, तो आगे आने वाली मानसिक बीमारियां काफ़ी टल सकती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर सब शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये कुछ तो भी बीमारी की शुरुआत हो सकती है, व्यक्तिमत्व का दोष जो है वो। आपको यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।